हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इंडिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते हैं, अपने लिए बहुत सारा जॉब सर्च करते हैं, और साथ साथ में जॉब के साथ साथ में वो चाहते हैं कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री भी कम्प्लीट हो जाए। ऐसे में उन स्टूडेंट्स के लिए इग्नू एक सेफ हेवन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ईजिली मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाता है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है, और साथ साथ में पढ़ाई भी चलती रहती है और जॉब भी चलती रहती है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए इग्नू बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव प्लेस है, मतलब देखा जाए एज अ मास्टर डिग्री मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन ये बना रहता है कि आखिर इग्नू कौन कौन से सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री मतलब प्रोवाइड करता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप इग्नू से मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, उन सभी, ठीक है, कि जिनमें आप मास्टर डिग्री मतलब यहां से कंप्लीट कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इग्नू से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इग्नू है मतलब ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो मतलब पढ़ाई है, जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है मतलब ODL के थ्रू यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, और दूसरा होता है ऑनलाइन। अभी हाल ही में जब से कोरोना पैंडेमिक मतलब स्टार्ट हुआ, कोरोना काल मतलब जो 2020 से लेके अब तक जो चल रहा था कोरोना, ठीक है, जब 2022 में मतलब लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद से ही जो डिजिटल पेनिट्रेशन है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब एजुकेशन सिस्टम मतलब डिजिटल मीन्स पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो गया है। ऐसे में इग्नू भी पीछे नहीं हटा, उसने भी मतलब बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किए हैं जो कि ऑनलाइन है। तो आप इग्नू से ऑनलाइन भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ODL में क्या होता है कि आपको स्टडी सेंटर पे विजिट करना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम फुल्ली ऑनलाइन है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आपको डिग्री मिलेगी, आपको वीडियोज मिलेंगे प्री लोडेड मतलब पहले से बने हुए, या लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, ऑनलाइन, जिसके थ्रू आपकी डिग्री कंप्लीट हो सकती है। और इग्नू ने इस साल बहुत सारे मतलब नए नए मास्टर डिग्री के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स को मतलब परस्यू करने के लिए। इंडिया में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही उन कोर्सेस को कराती हैं। लाइक जैसे मैं बताऊं तो रूरल डेवलपमेंट का मास्टर प्रोग्राम शुरू हुआ है इग्नू में, या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हुआ है। ऐसे बहुत सारे जो नए नए प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं इग्नू में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 48 रिजल्ट है, ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स। इग्नू की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर मैंने मास्टर डिग्री ओपन किया है, इसमें आप देख सकते हैं 48 रिजल्ट फाउंड फॉर योर क्वेरी, और अभी 10 यहाँ पर मास्टर डिग्री। तो एक एक करके नाम बताऊंगा, जल्दी मैं बता दूंगा, फिर आगे की डिटेल्स बताऊंगा, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सुनने के लिए, ठीक है। देखिए, ये है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी MBA, ठीक है, और फिर एक सिंपल है MBA। MBA दो टाइप का है इग्नू का, ठीक है, एक सिंपल MBA और एक है बैंकिंग एंड फाइनेंस का। फिर है मास्टर ऑफ कॉमर्स, फिर है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, मतलब कॉमर्स का के फील्ड में जो मास्टर है वो भी दो टाइप का है। फिर है ये MCA, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद है, इसमें ही दो साइकिल है, ठीक है, दो दो तरीके से शुरू होता है ये प्रोग्राम, ठीक है, एक जैन 2005 से शुरू हुआ था और एक जैन 2021 से शुरू हुआ है। उसके बाद है मास्टर ऑफ साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में, ये नया एक प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फूड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाना चाहते हैं। इस टाइम इंडिया में फूड सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, फूड टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाना चाहता है। इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स में, ठीक है, फिर डिस्टेंस एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट MA, मास्टर ऑफ एजुकेशन इस, अब देखिए नेक्स्ट है मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन। इसके अलावा है मास्टर ऑफ आर्ट इन अडल्ट एजुकेशन, फिर है ये मास्टर ऑफ साइंस रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, मास्टर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट इन डेवलपमेंट स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट इन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, मतलब इंडिया एक बहुत ही कहेंगे कि
बहुत ही अच्छा प्लेस है और यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी बिजनेस फैमिलीज हैं, बिजनेस कंपनी हैं, उनको एक फंड देना पड़ता है। इंडिया की जो सोशल सेक्टर है, इंडिया का जो सोशल सिस्टम है, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये लोग कुछ फंड देते हैं, ठीक है, सोशल वर्क करते हैं, लाइक एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर, ठीक है, इन चीज़ों में, वीमेन को मतलब इन्हेंसमेंट में, एम्पावरमेंट में, या फिर हेल्थ वगैरह में। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लाइक ITC का तो आपने देखा ही होगा, क्लासमेट की कॉपी के पीछे लिखा आता है कि ITC के NGO चलते हैं ऐसी, मतलब अडानी और रिलायंस वगैरह, बहुत सारे, आपने अजीज प्रेम जी का नाम सुना होगा। तो मतलब ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है, ये नया कोर्स है और बाहर बहुत महंगे में ये होता है, ठीक है। अगला है मास्टर ऑफ आर्ट इन अर्बन स्टडीज, मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस टैक्सेशन, मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, MA इन कल्चरल स्टडीज, मास्टर ऑफ आर्ट इन गांधी एंड पीस स्टडीज, ठीक है। इसके अलावा है MA इन जेंडर एंड डेवलपमेंटल स्टडीज, MA इन वीमेन एंड जेंडर स्टडीज, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MSc हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, MA संस्कृत, MA उर्दू, MA ज्योतिष। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो मतलब अपना करियर पूजा पाठ में बनाना चाहते हैं। देखिए ये हंसने वाली बात नहीं है, आजकल पूजा पाठ भी बहुत ही मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको नॉलेज है, जिनको शास्त्रों का नॉलेज है, जो मंत्र जानते हैं, ठीक है, वो MA ज्योतिष में अपना मतलब करियर बना सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, हम जानते हैं, तो ये MA इन ज्योतिष एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए। अभी एक नया ही शुरू हुआ है, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एफर्ट लगाया गया है और फिर इग्नू ने भी ये कोर्स शुरू किया है। फिर इसके अलावा है मास्टर ऑफ आर्ट इन हिंदी, ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपकी ये कंप्लीट होगी पढ़ाई। फिर है MSc इन एनवायरमेंटल साइंस, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, MA फिलोसफी, MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके अलावा है MA इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिर है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, MSc मैथमेटिक्स, ठीक है, विद एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस, MA आर्ट पॉलिटिकल साइंस, MA इन साइकोलॉजी, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन रूरल डेवलपमेंट। मैं बता रहा था ना रूरल डेवलपमेंट, ये कोर्स नया शुरू हुआ है अभी, मतलब इसी साल शुरू हुआ है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, रूरल डेवलपमेंट एक ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। ये सभी जो नए नए कोर्सेस शुरू हुए हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो उसको, ठीक है, और मतलब क्या उसके लिए डिमांड है, क्या एलिजिबिलिटी है, फीस स्ट्रक्चर और कैसे एडमिशन लेना, सब तरीका है, ठीक है, उन वीडियोस को जाके देख सकते हो आप। इसके अलावा मास्टर ऑफ साइंस इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, एंथ्रोपोलॉजी में MA है, ठीक है, सोशल वर्क काउंसलिंग, सोशोलॉजी, MA इन सोशोलॉजी, डिस्टेंस एजुकेशन, टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज। तो ये था दोस्तों कंप्लीट लिस्ट की इग्नू कौन कौन से सब्जेक्ट में MA कराता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही अच्छा प्लेस है, सभी क्वेरीज के मतलब आंसर दिए जाते हैं, वो भी बहुत ही जल्द। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है, काफ़ी डिस्कशन होता है। आपको सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है इग्नू बाबा जी, ठीक है, और आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।